नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायरल गुरु में। दोस्तों, जनमानस में बसे हैं ये सात देवी के मंदिर जिनके चारों तरफ महिमा फैली है। यूं तो देश भर में देवी माँ के कई शक्तिपीठ और सिद्ध पीठ हैं, लेकिन ठीक लखनऊ में भी देवी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। इनमें सबसे खास पांच देवियाँ हैं, बड़ी काली, मनसा, संदोहन, मसानी और शीतला माता। कुशल कामना के लिए और शादी होने पर ये पांचों चौखटें जरूर चूमी जाती हैं। इनके अलावा भुयन देवी और संकटा देवी मंदिर भी आस्था के बड़े केंद्र हैं। इन मंदिरों का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। आइए जानते हैं लखनऊ के इन सात बहनों के बारे में जो शहर के हर कोने से रक्षा करती हैं। बड़ी काली मंदिर, ये मंदिर चौक में दहला कुआं और बान वाली गली के बीच स्थित है। मंदिर का आसन बहुत ऊँचा है। कहते हैं कि कभी आदि गंगा गोमती इसके पास से बहती थी। मुख्य मंदिर के चारों तरफ कई छोटे बड़े मंदिर हैं। इसमें एक का शिखर गया शैली में बना है। इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, जिसके पुजारी भी गया के ब्राह्मण रहे हैं। मंदिर में रजत वेदी पर लक्ष्मी और नारायण की हजार वर्ष से भी पुरानी चतुर्भुज युगल प्रतिमा है। कुछ विद्वान इसे नर नारायण की मूर्ति मानते हैं, जो यही पुरातात्विक अवशेष में मिली थी। मनसा देवी मंदिर, बंगाल और बिहार में मनसा देवी की पूजा अर्चना का अधिक प्रचलन है। नाग कुल की अधिष्ठात्री होने के कारण मनसा देवी रहस्यमयी व्यक्तित्व की स्वामिनी है। सराय मालीखा में माहूलाल की चढ़ाई के पास मनसा देवी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पास ऐतिहासिक जियालाल फाटक है, जो लखौरी ईंटों की दक्ष चुनाई के लिए दर्शनीय है। संदोहन देवी मंदिर, सिंधु वन लखनऊ का प्राचीन स्थल है। इस वन में एक तालाब था जिसके अवशेष संदोहन देवी मंदिर के पास मिले थे। सरोवर के पास मौर्यकालीन मूर्तियां भी मिली थीं। इनमें कुछ अब भी मंदिर परिसर में हैं। संदोहन देवी मंदिर प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेषों पर ऊंचे आसन पर स्थापित नव निर्मित भागवती मंदिर है। चौपटिया चौराहे पर स्थित इस मंदिर की सुंदर प्रतिमा दर्शनीय है। संदोहन जी लखनऊ के पांच देवी मंदिरों की रत्नामाला की मध्यमणि है। शीतला माता मंदिर, मेहंदीगंज में शीतला देवी का प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि लवकुश ने इस मंदिर की स्थापना की थी, तब यह गोमती इस मंदिर के पास से बहती थी। जलधारा का प्राचीन मार्ग यही था, जिसका प्रमाण दरियापुर मोहल्ला है। यहाँ की प्रमुख प्रतिमा मध्यकाल के आक्रांताओं द्वारा भग्न है। यहाँ उसी पिंडी की पूजा होती रही है। मंदिर की परिक्रमा पथ में 10वीं सदी की उमा महेश्वर की भग्न प्रतिमा है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण बंजारों ने एक मठ के रूप में किया। बाद में कश्मीरी ब्राह्मण परिवारों ने इन्हें अपनी देवी मान लिया। होली के बाद अष्टमी को यहाँ आठों का मेला भी लगता है। मसानी देवी, शिव शमशान के देवता हैं, तो शिवनी भी शमशानी हैं। उन्हीं को मसानी देवी भी कहते हैं। सादगंज में मसानी माता का प्राचीन मंदिर है। आज भी यहाँ फूलों के साथ कौड़ियाँ चढ़ती हैं। मध्यकाल में भगवती की यह गुप्तकालीन प्रतिमा कदम के नीचे कुएं से मिली थी। साल 1883 में पुजारी मनसादीन माली ने इस मंदिर की नई रूपरेखा तैयार की। यहाँ पीतल के प्रवेश द्वार पर कलात्मक गणपति और राजलक्ष्मी उकेरे गए हैं, तो गंगा भी अपने वाहन मगर के साथ विराजमान है। इसके दूसरी ओर बना है अवध का शाही मोनोग्राम, जल परियों के हाथों में मुकुट। यहाँ बुधवार पूजा का दिन है। यहाँ लोग मनोकामना की चौकी भरते हैं और सात बुधवार जाकर उनकी चौखट पर फूल, पान, लौंग, बताशा और कौड़ी चावल से सजानी होती है। भुयन देवी, गणेशगंज। 19वीं सदी की शुरुआत में बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में पुराना गणेशगंज बस रहा था। तब इस जंगल के बीच एक मरघटा था। यहाँ खुदाई के वक्त पीपल के नीचे देवी की एक प्राचीन मूर्ति मिली। इसे छोटी सी मठिया में स्थापित कर दिया गया। फिर इस भूमिया विग्रह को भुयन देवी के नाम से पूजा जाने लगा। अवध में विष्णु पत्नी भू देवी अर्थात भुयन देवी की उपासना की पुरानी परंपरा है। नया गणेशगंज के एक सरदार जी की मनोकामना पूर्ण हुई तो उन्होंने नए मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का प्रांगण सविता निवास के नागर परिवार से प्राप्त हुआ है, तो प्यारे लाल हवेलिया जी के घराने से इसे अपूर्व रूपरेखा मिली। संकटा देवी, रानी कटरा के बड़ा शिवाला प्रांगण में बंदी माता की अत्यंत प्राचीन मूर्ति है। वंदनीय माता कही जाने वाली इस प्रतिभा के लोग प्रयत्न लाघव में वंदी माता कहने लगे। यहाँ संकटा देवी हैं और कश्मीरी ब्राह्मणों की इष्ट देवी आद्या देवी की मूर्तियाँ भी।
अवध में संकटा देवी हर क्षेत्र में मिलती हैं। यहाँ तक कि जब किसी मनोरथ के साथ सात सुहागिनों को बुलाया जाता है और खिलाया जाता है तो उस आयोजन को संकटा की पिन्नी कहा जाता है। तो दोस्तों, इन बहनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।